गुड इवनिंग मालिक, होपफुली एवरीबडी इज डूइंग गुड, और आशा करता हूँ कि आप तोड़ कर रहे होंगे मालिक। तो भारत माता की जय मालिक। मालिक 15 दिसंबर 22 से मेरी ईआईएसएसएम की बैच चालू हो रही है, साथ में ऑडिट की भी बैच चालू हो रही है मालिक, सीए इंटरमीडिएट। मॉर्निंग 8 o'clock से लेकर 11 o'clock तक अपना ईआईएसएसएम रहेगा, और 11:15 से लेकर 1:40 तक अपना इंटरमीडिएट का ऑडिट रहेगा मालिक। मालिक ये बैच का ड्यूरेशन जो रहेगा अप्रोक्सीमेटली 50 डेज ऑड रहेगा, 50-55 डेज के बीच में कंप्लीट होगी बैच। 8 फरवरी इज ऑल टुगेदर डिफाइंड स्ट्रक्चर, वैसे 8 फरवरी किया हुआ है, उसका टाइम टेबल मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम के चैनल पे शेयर कर दिया मालिक। ओके, लॉजिकली स्पीकिंग ये बैच का कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आई डोंट थिंक उसमें मेरे को समझाने की जरूरत है कि भाई अमित तातेड़ तोड़, ये भाई बंदा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए क्लियर कट, नो डाउट इन दैट, दैट्स फॉर श्योर। तो लॉजिकली कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी तो तोड़ जाएगी मालिक, रखने का काम भी तोड़ जाएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट मालिक विथ रिस्पेक्ट टू ऑल सर्कमस्टेंसेस, सबसे बड़ी बात जो अपनी है कम टाइम में सबसे अच्छे से कंटेंट कंप्लीट करना, यानी शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन में मैक्सिमम आउटपुट, मिनिमम इनपुट मैक्सिमम आउटपुट, ये चीजें अपने को ध्यान रखनी है। ये चीजें अपन डेफिनेटली करके रहेंगे, और इसके साथ में और एक चीज बोलने की बात रहेगी मालिक, इसके ईआईएसएसएम में देखिए लिखने का पॉइंट रहता है तो ईआईएसएसएम में अपने को टाइम ज्यादा लगता है, ऐसे भी 150-160 आवर्स का ईआईएसएसएम की बैच होती है, तो अगर अपने लिखने में जाए तो 200 प्लस आवर्स हो जाते हैं, तो ऑल टुगेदर ये वर्क नहीं है, लेकिन उसका मैंने ऑप्शन निकाला हुआ है कि इसको अपन कैसे एवरीडे राइटिंग बेसिस कैसे करेंगे, यानी अगर आप लाइव अटेंड कर रहे हो या फेस टू फेस अटेंड कर रहे हो तो डेफिनेटली मैं आपको एक टारगेट दूंगा, एवरीडे जो अपना कंटेंट हुआ रहेगा उसको समरी नोट्स में अपने लिखना है। और इंटरमीडिएट ऑडिट की बात करूं तो 101% इंटरमीडिएट ऑडिट की A to Z अपना सारा क्लास में लिख के हो जाएगा मालिक, यानी ये 55 डेज के अंदर। इंटरमीडिएट ऑडिट की बात करें तो इंटरमीडिएट ऑडिट कॉन्सेप्चुअल लर्निंग के साथ में, तोड़ लर्निंग के साथ में, उसके साथ में रिविजन करके और साथ में लिख के अपने समराइज नोट्स पूरा क्लास में लिख के हो जाएगा, यानी राइटिंग प्रैक्टिस का भी लॉजिक कवर हो जाएगा। ईआईएसएसएम में क्यों नहीं कर सकता, मैंने आपको बता दिया, ईआईएसएसएम में करना वर्थ नहीं है क्लास में, वी आर स्पेंडिंग टाइम विद मी, तो लेकिन उसके लिए सॉल्यूशन एकदम क्लियर रहेगा कि भाई क्लास के दिन पे ही आपको अपडेट दे दिया जाएगा, इतना आपको नोट्स अपडेट करना है मालिक। एंड उसी के साथ में जैसे ही बैच एंड हो जाती है उसी टाइम पे अपन क्वेश्चन बैंक एंड अदर थिंग्स सारी की सारी अपन सॉल्व करेंगे, सारे के सारे स्ट्रक्चर वाइज यूट्यूब पे अपन सॉल्व करेंगे, क्योंकि यूट्यूब पे अपने फरवरी मार्च में यूजुअली यूट्यूब में फरवरी मार्च के रेंज में अपने लॉ ऑडिट और ईआईएसएसएम के तीनों के मैराथन्स, तीनों के क्वेश्चन बैंक्स और तीनों के एलडीआर लास्ट रिवीजन लेक्चर्स, लास्ट रिवीजन कंसेप्ट ऑल टुगेदर आ जाते हैं मालिक। तो भारत माता की जय मालिक। क्या क्या चीजें पूरी हो जाती है मालिक ये बैच के आउटकम से, पहली चीज सबसे इंपॉर्टेंट चीज भाई तोड़ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, डाउट ही नहीं है मालिक। सेकंड पॉइंट थियरी बाप कर देते हैं मालिक अपन, बात खत्म। तो सेकंड पॉइंट थियरी और कंटेंट तोड़ हो जाएगा मालिक। थर्ड सिनारियो मोस्ट इंपॉर्टेंट सर, क्या रिवाइज करने की भी आदत कॉन्सेप्चुअली हो जाएगी, पूरी पूरी तोड़ हो जाएगी मालिक। चौथा सिनारियो लिखने का भी आउटकम कंप्लीट हो जाएगा मालिक, लिखने का भी कॉन्सेप्ट कवर हो जाएगा मालिक, के लिखने को नहीं आता, लिखने का भी स्ट्रक्चर क्लास में ही ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा। ऑडिट का तो हो जाता है, ईआईएसएसएम में अपन उसको रेगुलर बेसिस पे काम करेंगे मालिक। तो ये स्ट्रक्चर अपने को ध्यान में रखना है, एंड दैट्स हाउ द कॉन्सेप्ट विल वर्क मालिक। तो भारत माता की जय, टू बी वेरी प्रिसाइज 15 दिसंबर को हम लोग मिलते हैं, एंड मॉर्निंग से लेकर 15 दिसंबर से लेकर 8 फरवरी तक अपन अपने टारगेट को अचीव करते हैं मालिक। आपको एडमिशन लेने के लिए बहुत सारी वेबसाइट्स अवेलेबल होंगी, अपनी ATAcademy.co.in तो है ही अवेलेबल, एक्सपर्ट की भी वेबसाइट है, वीस्मार्ट की वेबसाइट है, मल्टीपल वेबसाइट्स है, आप जहां से भी देखना चाहते हो, जहां से ऑप्शन मिले ले लो मालिक। मिलते हैं मालिक, भारत माता की जय।